हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए मैं फिर से आपके लिए हेयर के बारे में एक ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ, वो है सिल्क एंड शाइन हेयर। वो तो सबको पसंद है, सिल्क एंड शाइन हेयर। तो किस किस का जो डैमेज होता है, हम घर में कैसे उसको रिपेयर करेंगे, शाइन सिल्की हेयर बनाएंगे, उसमें बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। ओ हमारे हेयर का जो प्रॉब्लम है वो शाइन सिल्क नहीं करता है तो डैमेज रहता है, वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। हम बताए थे आपको हेयर के बारे में, कितने सारे वीडियो डाल चुके हैं, तो आज ये वीडियो हमने खास इसके लिए शाइन सिल्क हेयर के लिए बताए हैं। फिर दूसरे वीडियो हम जो बनाएंगे वो हेयर फॉल ज़्यादा होता है इसके बारे में बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको आज डेमो करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ होता तो हम डेमो करके दिखा देते हैं। हम आज 4, 5, 6, 7 मेथड बोलेंगे तो सब तो डेमो करके नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आप लिख लीजिए कागज़ में, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देख लीजिए। तो कोई चीज़ मैं जितना रेमेडी बताऊंगी, मेथड बताऊंगी, उसमें कोई तो आपको घर में होगा तो आप कर सकते हैं, इसीलिए हमने आज डेमो करके नहीं दिखाई। चलिए फिर तो शुरू करते हैं। पहले है हमारा जो हेयर है उसको फास्ट है, हम लोग क्या करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडे एक लेंगे। अंडे का जो सफ़ेद होता है, वाइट अंश होता है, वो हम लोग ऑयली हेयर जिसमें वो लगाएंगे, तो लगाने से बहुत शाइनिंग देगा। जिसका रूखा हेयर है वो अंडे का येलो पार्ट जो है वो लगाएगा, वो लगाने से उसको बहुत फ़ायदा पड़ेगा। और जो जिसका कॉम्बिनेशन हेयर है वो पूरा अंडा लेके लगाने से बहुत शाइनिंग देगा। पहला मेथड हमने बताया अंडा, अंडा आप लगाने से शाइनिंग एंड सिल्क करेगा हेयर को। तो जो हम बताए 3 हेयर के लिए बताए, क्योंकि किसका रूखा हेयर होता है, किसका नॉर्मल हेयर होता है, किसका कॉम्बिनेशन हेयर होता है। तो रूखे हेयर के लिए हम येलो वंश लगाएंगे, और जो जिसका नॉर्मल हेयर है वो लोग वाइट सफ़ेद वंश लगाएंगे, और जिसका कॉम्बिनेशन है वो पूरा अंडा लगाएंगे। तो देखिए कितना शाइन एंड सिल्क बनाता है हेयर को। हम लगा के फिर शैम्पू कर देंगे बस। दूसरा मेथड है हम लोग का कर्ड, दही। दही लेंगे, दही सब हर चीज़ टाइप का हेयर को सूट करेगा। तो दही लीजिएगा, दही लेके अब जो भी चीज़ लगाएंगे, हम आपको बता रहे हैं, इसे पार्टीशन करेंगे, फिर पार्ट पार्ट करके एक सेक्शन बाय सेक्शन लगा के ऐसे करके लगाने से बहुत है। 15 मिनट 12 मिनट रखेंगे, फिर शैम्पू से वॉश करेंगे। तो दूसरा है हमारा कॉर्ड। हम दही जो दही लीजिएगा उसको हाँ लगा पूरा हेयर में लगा दीजिए, 15-20 मिनट के बाद धो लीजिए। थर्ड है हम लोग का वही दही, दही जो कर्ड बोलते हैं उसको थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप पूरा हेयर में लगाएंगे, फिर उसको वॉश करेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ब्लू दो बार चला कर देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये 100% पूरा सिल्क एंड शाइन करेगा आपको हेयर। तो हम 3 मेथड बचा चुके हैं, 4 मेथड है हम लोग का। आप सरसों का तेल लीजिए, तो उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए, फिर नहाने से पहले आप लगा लीजिए, फिर उसको शैम्पू कीजिए। वो 4 मेथड पूरा शाइनिंग एंड सिल्क करेगा। 5 मेथड है हम लोग का जो मेथी बोलते हैं, उसको पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही मिलाइए, फिर ऐसे ही हेयर में नहाने से पहले अब पार्टीशन करके लगा के वॉश करते हैं। पूरा यहाँ लगाएंगे, फिर हेयर में भी यहाँ भी लगाएंगे, तो धो देंगे। हमारा कितना हुआ, 5 मेथड हुआ। तो मेथड सिक्स है हम लोग का जो ग्लिसरिन होता है, वो ग्लिसरिन में थोड़ा सा गुलाब जल मिला के वो बहुत अच्छा काम करता है। ग्लिसरिन में गुलाब जल मिला के अब ये शैम्पू करने के बाद लगाएंगे। शैम्पू करेंगे फिर हेयर को थोड़ा ड्राई कर दीजिएगा, पूरा नहीं सुखाना है, आधा आधा सूखा रहना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे पूरा आप लगाते जाइए पूरा ग्लिसरिन और गुलाब जल, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये हमारा 6 हो गया। 7 मेथड है हम बोले
क्या एलोवेरा जो लेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेंगे और ग्लिसरिन लेंगे, उसको अच्छी तरह पूरा मिला दीजिएगा। आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं, आप आपके हेयर के अकॉर्डिंग लीजिए। आपका छोटा हेयर है आप कम लीजिए, आपका बड़ा हेयर है आप ज़्यादा लीजिए, ऐसे ही क्वांटिटी का आप लीजिए। तो एलोवेरा जेल और हमारा क्या बोले ग्लिसरिन हमारा स्किन को बहुत मॉइस्चर देगा। ये फेस पे भी जितना काम करता है, हेयर में भी उतना काम करता है। 7 हो गया हमारा, 8 है हम लोग का जो होता है केला आता है। आपका कम हेयर है आप एक केला लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डालिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालिए। ऑलिव ऑयल रूखे बालों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। आप ऐसे ही रेगुलर लगाने से भी बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। तो आप एक केला लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही, ऑलिव ऑयल और केला, एक केला लीजिए। आपके हेयर के अकॉर्डिंग, आप छोटा हेयर है तो एक केला लेंगे, बड़ा हेयर है तो 2 केले भी ले सकते हैं। ये तीनों को थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप पूरा पेस्ट कीजिए, नहीं तो ग्राइंडिंग कीजिए। तो पूरा हेयर में पार्टीशन कर करके लगा दीजिए, हेयर में ऐसे भी लगा लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए, फिर आप हेयर वॉश कीजिए। लेकिन ये हेयर पैक बहुत अच्छा है, काम करता है, आपका हेयर फॉल भी बंद होता है। लेकिन ये थोड़ा दिक्कत है फ्रेंड्स, ये धोने से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि केला जो है ना वो चिपक जाता है, उसको निकालने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अच्छी तरह पानी डाल के शैम्पू करने से वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 8 मेथड। तो फ्रेंड्स हमारा 9 मेथड है, आप केला लीजिए आपका हेयर अकॉर्डिंग कितना आपको चाहिए लेंथ के अनुसार, और उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा हम लोग का क्या बोलते हैं नींबू, और थोड़ा सा दही, ये लेके ग्राइंडिंग कर दीजिए, फिर लगा लीजिए। ये भी बहुत अच्छा काम करेगा, ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपका हेयर शाइनिंग सिल्क देगा एंड जो है हमारा ग्रोथ करेगा हेयर को, हेयर फॉल पूरा बंद कराएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन धोने के लिए थोड़ा दिक्कत है, हम दो तरह का केले का दो तरह का बताए हैं, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि धोने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा मेहनत होगा, केला सूखने से चिपक जाएगा इसीलिए। लेकिन पूरा हेयर को पूरा ये क्या बोलते हैं शुद्ध आहार जैसा ये काम करेगा। फिर 10 मेथड है हम लोग का, एक अंडा लीजिए, आपका हेयर जैसा भी हो एक अंडा लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा 2 बूंद नींबू डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा दही मिला के हेयर में लगा लीजिए और 15-20 मिनट बाद धो लीजिए। ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। 10 मेथड जो हम बताए ये बहुत बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन हम इसीलिए बताए, एक मेथड बताने से हम आपको डेमो करके दिखाते, लेकिन ये 10 है ना, इससे कोई भी एक आप कर सकते हैं, इसलिए 10 बताए। आपका कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और 10 में से एक तो आप कर ही सकते हैं, करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका हेयर जो है सिल्क शाइन एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स इतना ही बता रहे हैं हेयर के बारे में, और जो केले के बारे में बताए तो बढ़िया पैक है हेयर के लिए, वो शाइनिंग देगा, सिल्क करेगा एंड हमारे हेयर को ग्रोथ करेगा, हेल्पफुल होने से भी रखेगा। तो फ्रेंड्स रखते हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसे दबा दीजिए, उससे क्या होगा नया वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया ब्यूटी टिप्स लाके। टेक केयर।